स्पीकर और सभापति खुद अवमानना कर रहे हैं कंटेम्प्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट की तो हम ये जांच कर रहे हैं अभी जांच चल रही है अभी जांच चल रही है ऐसे ही पार्लियामेंट में कह रहे हैं जाँच चल रही है स्पीकर प्रवक्ता बनने की कोशिश करता है उसका सरकार का जो संसद में बोले तक नहीं ना वेल में गई उसको भी बाहर कर दिया सस्पेंड कर दिया इसका मतलब क्या है उन्होंने ये भी नहीं देखा और गलती में जो उनको लिस्ट थमाई गई सरकार की तरफ से उन्होंने प्यादों की तरह से चेले चांटे बनने की तरह से एक नौकर की तरह से उन्होंने वो काम कर दिया और क्या कर दिया अब कोई ड्रामा कर रहा है कोई बात अपनी कह रहा है मिमिक्री के जरिए अपनी बात बता रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें राइट टू एक्सप्रेशन में अब तो कहोगे तो देश ने उसको व्हाट्सएप पे देख लिया यूट्यूब पे देख लिया देश भी दोषी हो गया उपराष्ट्रपति पद की गरिमा पता उस आदमी को कभी वो प्राइम मिनिस्टर की चमचागिरी में उसको युग पुरुष बताते हैं लोकतंत्र देश की जनता थी वो लोग सांसद नहीं सस्पेंड किए देश की जनता को सस्पेंड किया देश की जनता की बेजती की है देश की जनता के नुमाइंदों को वहाँ बोलने नहीं दिया गया उनको बाहर निकाला गया कुछ लोग ऐसे थे जो संसद में थे ही नहीं कुछ लोग ऐसे थे जो संसद में बिल्कुल वेल में ना गए एक भी उल्लंघन नहीं किया उनका भी नाम था इसका मतलब किसी ने पर्ची भेजी है जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाने की पर्चियाँ चल रही हैं किसी ने मुख्यमंत्री पर्ची भेजी हैं सांसदों के नाम लिखे हैं कि इनको हटा दो उसके बाद अगले दिन तो किसी को नहीं अगले दिन लोगों ने हल्ला किया फिर किसी को सस्पेंड नहीं किया ये चाहते थे कि इनको निकालो फिर बाद में समझ में आई होगी कि बिल्कुल खाली भी मत करो ये खिलाफ़ चला जाएगा तो बाकी फिर उसी तरह के बात बोलने वाला कोई सस्पेंड नहीं हुआ और ये सारा का सारा चोर दरवाजे से कानून पास करने वाली बात है ये देश के साथ धोखा है ये लोकतंत्र की हत्या है ये देश दरोह है इस देश दरोह में शामिल है सत्ता पक्ष ऐसा पूरी पार्टी ही देश दरोह हो जाए ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा पहले ऐसा नहीं हुआ देश में वो तो काला अध्याय है ये तो इमरजेंसी के दौरान भी इतनी घटिया हरकत नहीं हुई ये तो स्पीकर और जो सभापति हैं उनको लोग बिल्कुल पपेट बोल रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे वो स्पीकर और सभापति के लायक लोग नहीं हैं उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए ऐसा लोग मांग कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं है क्योंकि अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो देश के प्रतिनिधि हैं देश की जनता के प्रतिनिधि हैं वो देश के मालिकों के एक तरह से प्रतिनिधि हैं उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नाम की कोई चीज़ होती नहीं सबके साथ सम्मान व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा स्पीकर का और सभापति का स्पीकर और सभापति खुद अवमान ना कर रहे हैं कंटेम्प्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट की तो इन लोगों को खुद अगर मेजोरिटी ना हो तो एम को कम से कम अपना प्रस्ताव पास करना चाहिए इन लोगों को कंटेम्प्टन इनके ख़िलाफ़ करनी चाहिए बल्कि स्पीकर के और सभापति के अगर मान लो किसी कोर्ट में जज ही कंटेम्प्ट करे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कंटेम्प्ट करे कोर्ट की तो कहाँ जाएंगे हम वकील कहाँ जाएंगे तो वकील कम से कम प्रस्ताव पास कर सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का और इस तरह से बाईकाट करके उनको सजा दे सकते हैं बाईकाट कर रहे हैं हम आपकी कोर्ट का इसी तरह से पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी करना चाहिए जितने भी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है वो इनका स्पीकर का सभापति का बाईकाट करें अपनी तरफ से कंटेम्प्ट नोटिस भेजें क्योंकि वो कंटेम्प नोटिस जनता की तरफ से होगा और देश में एक नई अध्याय की शुरुआत होगी कि जो भी लोग प्यादे बनने की कोशिश करेंगे संविधान संविधानिक पोस्टों में बैठ के देश उनके खिलाफ़ खड़ा होगा और कार्रवाई करेगा ये देश की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए मेंबर पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट नोटिस देना चाहिए इनको स्पीकर को भी सभापति को जिन्होंने पार्लियामेंट की गरिमा का, का तार तार कर दिया नष्ट कर दिया गरिमा का क्या ऐसा संसद में हो सकता है कि मतलब 141 सांसदों को एक बार में निलंबित कर दिया और उसके बाद लगातार जो है वो नारेबाजी करते हैं तो उसके खिलाफ भी वो उपराष्ट्रपति बोलते हैं कि ये सब नहीं चलेगा संसद में हाँ ये तो गलत है वो गरिमा गिरा रहे हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हैं सभापति वो गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर रहे पहले तो वो युग पुरुष बताते हैं उसको प्रधानमंत्री को अब वो गीता महोत्सव के बहाने कुरुक्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं ये गीता गवर्नेंस चल रही है और मोदी गीता गवर्नेंस चला रहे हैं मोदी को उन्होंने श्री कृष्ण बना दिया है अपनी तरफ से तो ये तो किसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस तरह की उपमाएँ देना हमारे भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इतना घटिया काम किया था शायद वो चीफ जस्टिस भी थे उन्होंने मोदी के बारे में कहा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में और इस तरह के कमेंट देने से इससे ये पता चलता है ये संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग हमारी संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह का बयान देख उनको नहीं करना चाहिए और अब अगर उपराष्ट्रपति तो ऐसी बात कर सकता है कि गीता गवर्नेंस चल रही है देश में ये देश सेकुलर देश है ये गीता का देश नहीं है ये किसी गीता बाइबल रामायण महाभारत या किसी और ग्रंथों का देश नहीं है ये देश देश की जनता का है एक सौ तीस चालीस करोड़ लोगों का देश है ये किताबों का देश नहीं है किसी रिलीजियस ग्रंथों का देश नहीं है जिसको जो मानना माने ना मानना ना माने उनको पढ़े कोई अच्छी बात हो तो ग्रैंड करे जो नहीं है तो साइड लाइन कर दें उन बातों को अब गीता का अगर मेरे से पूछोगे आप कि गीता गवर्नेंस क्या होती है गीता गवर्नेंस क्या है पत, बेटा गीता में क्या दिखाया गया है गीता में एक बहुत ही गलत बात जो मैं कहता हूँ है वो ये है मेरे हिसाब से और काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं गीता में ये कहा जब जब धर्म की हानि होती मैं आता हूँ कौन है भाई ये मैं धर्म की हानि तो मैं ये अधिनायकवाद को जन्म देता है देश की डेमोक्रेसी और देश की जनता 140 करोड़ पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग अधिनायकवाद को नहीं चाहते अस्तित्व में ब्रह्मांड में कोई अधिनायकवाद नहीं है ये है ये जानबूझ के किताबों के जरिए थोपने की मानसिकता है और ये अधिनायकवाद को थोपना चाहते हैं अधिनायकवाद को थोपती है बताती है गीता जबकि ऐसा नहीं है एक बच्चा भी अपने ऊपर किसी की थोपी हुई बात को नहीं मानता पूरी मानव जाति अधिनायकवाद को नहीं मानती अस्तित्व में कोई अधिनायकवाद नहीं है और गीता के भाने अधिनायकवाद को पोषित करना यह अपराध है मानवता के प्रति इसलिए गीता गवर्नेंस यहाँ देश की जनता का शासन है सभी लोग देश के मालिक हैं सब लोग बैठ के समस्या का हल करते हैं कोई एक आदमी बचाने आएगा या कोई एक आदमी एक प्राइम मिनिस्टर देश को बचाएगा दिस इज़ हाई लेवल ऑफ नॉन इवन ऑन पार्ट ऑफ डिप्टी प्रेसिडेंट उप उप प्रधान राष्ट्रपति के उस पर भी ये कलंक है इस बात को ऐसे उनको नहीं करना चाहिए तो बचना चाहिए इन बातों को इससे ये साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं वो दिल की बात नहीं करे वो देश की बात नहीं करे वो विवेक से बात नहीं करे वो किसी बात खास बात को ध्यान करके किसी खास आदमी की या खास संस्था की या खास ऑर्गेनाइजेशन की चमचागिरी कर रहे हैं है बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल पास होने बिल्कुल बिल्कुल इतना इतना महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं जो आईपीसी सीआरपीसी वगैरह जो दंड संगीता और जो कानून इतने बड़े कानून हैं इस देश के लिए जहाँ पे इस देश को पुलिस राज्य बनाने की साजिश और षडयंत्र है जहाँ सरकार लोगों को बिना बताए और जजों की भी नहीं चलेगी और लोग काफ़ी दिनों तक तो जेल में जाएंगे कोई पूछने वाला नहीं यहाँ अभी है बुरा हाल है जो गरीब गुरबा आम आदमी समाज का आदमी है इवन अब तो पॉलिटिशियन का भी हाल देख लिया लोगों को जमानत तक नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट से और जेलों में सड़ रहे हैं और बहाना बनाती है पुलिस और ये एजेंसियाँ अभी एक और हम ये जांच कर रहे हैं अभी जांच चल रही है अभी जांच चल रही है ऐसे ही पार्लियामेंट में कह रहे हैं चल रही है स्पीकर प्रवक्ता बनने की कोशिश करता है उसका सरकार का स्पीकर और सभापति राज्यसभा में वो प्रवक्ता नहीं है वो किसी के डाकि पियन और चपड़ासी नहीं है वो सरकार के वो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो एक हाउस को चलाने वाले बड़े पद के पे बिठाए हुए लोग हैं देश की जनता ने उनको बिठाया है उनको देश की जनता के हिसाब से चलना चाहिए न कि सरकार के इशारों पर अपने पदों के बचाने के लिए चमचागिरी करनी चाहिए वो पार्टियों से ऊपर उठे हुए लोग होने चाहिए और वो दोनों के दोनों गलत काम कर रहे हैं आचरण उनका बहुत ही संदेहास्पद है और आचरण इन पदों के अनुरूप नहीं है उनको इस्तीफा देना चाहिए या उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए और जिन लोगों को उन्होंने बाहर किया है संसद से वो लोग जिसका जो संसद में उपस्थित नहीं उसको भी हटा दिया वो लोग जो संसद में बोले तक नहीं ना वेल में गए उसको भी बाहर कर दिया सस्पेंड कर दिया इसका मतलब क्या है उन्होंने ये भी नहीं देखा और गलती में जो उनको लिस्ट थमाई गई सरकार की तरफ से उन्होंने प्यादों की तरह से चेले चांटे बनने की तरह से एक नौकर की तरह से उन्होंने वो काम कर दिया और उन लोगों को उन बोल के उनको सस्पेंड कर दिया ये शर्म की बात है इस देश में इतना कब्जा पार्लियामेंट में नहीं हुआ देश में इमरजेंसी भी लगी मगर इतना गंदा घिनौना खेल उस इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था ठीक है बात सुनो अच्छा है इसलिए मिमिक्री किसकी करते हैं मिमिक्री दो जगह करते हैं भाई जो आदमी अच्छा काम करता है बुरा काम करता है तभी तो उसकी मिमिक्री करते हैं लोग ये राइट टू तो एक्सप्रेशन में आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो उन्होंने किया उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है इसलिए मिमिकरी करी होगी कैसे रोक सकते हो राइट टू तो एक्सप्रेशन हाँ फिर क्या हो गया उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लेवल का काम नहीं कर रहा तो मेमिक्री नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे लोग उसको अपने पद की गरिमा नहीं मालूम वो अपने पद की गरिमा के हिसाब से काम नहीं करता जब वो नमस्ते करने का स्टाइल अपने स्टाइल में चलाता है और पद का ध्यान नहीं रखता कहता मेरी आदत है तो इस तरह इन लोगों की भी आदत है मिमिक्री करने वालों की उसे क्या किसका किसकी हानि हो गई देश बल्कि जागरूक हो रहा है इस बातों से और बल्कि मैं तो मैंने अभी किसी ने गांधी वीडियो बनाते हैं तो फिर राहुल गांधी गांधी क्या कर दिया अब कोई ड्रामा कर रहा है कोई बात अपनी कह रहा है मिमिक्री के जरिए अपनी बात बता रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें राइट टू एक्सप्रेशन में इतने बोने लोग हैं क्या इनकी इज्जत बिल्कुल उस पर गली गली घूम रही है क्या कोई भी इनकी इज्जत पे खिलवाड़ करेगा दिस इज नॉन सेंस वही करने दो मीमी करी कोई करे तो अगर सच्चे लोग हैं और अच्छे लोग हैं उसको तो मीमी करे उससे एडवर्टाइजमेंट होती है यहाँ घबराते क्यों हैं इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तीन का इसलिए तो घबराते हैं लोग मीमी करी करने से राहुल ने फोटो खींचने का क्या बुरा किया अब तो कहोगे तो देश ने उसको व्हाट्सएप पर देख लिया यूट्यूब पर देख लिया देश भी दोषी हो गया तुम किस किस के पीछे लगोगे पागल बातें ही हैं नॉनसेंस बातें हैं और और ट्विटर पे नहीं मेरे को किसी ने मैसेज भी भेजा मुझे भी आप भी कह रहे थे अभी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा किसी ने कि बीजेपी राजस्थानी या कहाँ कहाँ कोई मैसेज है बीजेपी ने लगाया अपने उस पर हैंडल पर वो व्हाट्सएप का है या ट्विटर का मुझे देखना पड़ेगा उस पर लगाया है कि ये सही नहीं है और इससे जाट समाज उद्वेलित है अरे बढ़िया ब्राह्मण देश का नेता और बाकी सारे जातियों के नेता व्हाट नॉनसेंस ऑन दी पार्ट ऑफ बीजेपी ये षड्यंत्र कब बंद करोगे इस देश में इस देश के साथ कब तक तो खिलवाड़ होता रहेगा इस देश का एक एक बच्चा देश का नेता है एक एक बच्चा देश का देश भगत है एक एक जो पॉलिटिशियन है एक एक जो राजनीति में कदम रखता है देश का नौजवान या कोई भी वो तो पूरे देश के बारे में सोचता है सब देश के नेता हैं ये ऐसे कोशिश मत करो ब्राह्मण बणिया देश का नेता बाकी सब जातियों के नेता इसी जहर ने तो तुम्हारा इसी वर्ण व्यवस्था की मानसिकता ने देश का बेड़ा कर किया इस वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल धराशाई करना है इस वर्ण व्यवस्था को पोषित करने वाले लोग और पोषित करने वाले ग्रंथ कथा कहानियों को भी वो साइड खूटे लाइन लगाना है उपराष्ट्रपति खुद कह रहे हैं आज उन्होंने संसद में कहा है कि जगदीप धनखड़ की बेइज्जती करें मुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन देश के उपराष्ट्रपति पद पत के अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं होगा और हमें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उपराष्ट्रपति को इस तरह के आदमी को बिठा रखा है जिस आदमी को उपराष्ट्रपति पद पत की गरिमा नहीं उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बताओ उस आदमी को कभी वो प्राइम मिनिस्टर की चमचागिरी में उसको योग पुरुष बताते हैं कभी वो कुरुक्षेत्र में जाके कहते हैं गीता गवर्नेंस गीता गवर्नेंस का पता है गीता में क्या लिखा है गीता में बहुत ही एक गलत बात लिखी है क्या गलत बात लिखी है गीता मीडिएशन को भी गलत बताता है गीता ये लिखती है कि मीडिएशन से भी संभव नहीं है और लड़ाई लड़नी होगी लोगों को मारना होगा गीता हिंसक बनाना चाहती है लोगों को गीता का उपदेश क्या है अरे पूरी मानव जाति प्यार से रहना चाहती प्रेम से रहना चाहती है अगर मीडिएशन में दम नहीं है तो इसीलिए लोग लड़ते हैं नहीं तो मीडिएशन समाज बैठ के अपने परिवार में अपने समाज में अपने देश में हम भाईचारा और शांति स्थापित कर सकते हैं गीता का एक मैसेज है जो मीडिएशन के अगेंस्ट जाता है मीडिएशन को गलत बताती है कि मीडिएशन में भी समझौते नहीं होते तो युद्ध करना चाहिए और लोगों को मारना चाहिए और मारना चाहिए मतलब फिर परवाह ना करो तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार कोई भी सबको मार दो ये गीता का गलत उपदेश है गीता इज़ नॉट अप टू द मार्क यह मानवता के खिलाफ जाती है गीता के कई बातें इसमें आप ये जबरदस्ती थोपोगे क्या लोगों पे गीता एक ग... कथा कहानी है वो कोई माने उसको कुछ भी माने उसमें से जिसकी भावना वो माने जिसकी भावना नहीं माने और जिसकी भावना है उसको क्वेस्चन मार्ग करे और क्वेचन मार्ग के बदले में उसका जवाब दे क्या मानव जाति किसी अधिनायक के इंतजार में बैठी रहती है कोई अधिनायक कोई ऊपर से आके टपकेगा कोई इस देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा कोई इसी धरती पे एक ही श्री कृष्ण आएगा तो धरती को बचाएगा ये सब अधिनायकवाद की बातें जो मानवता के खिलाफ है पूरी मानव जाति को गाली है ये क्या लगता है सर आपको इसके पीछे क्या मकसद है क्योंकि एकदम से ये कहा जा रहा है कि जाटों का मतलब अपमान कर दिया है उपराष्ट्रपति खुद भी कह रहे हैं कि किसानों का अपमान है क्योंकि वो खुद उस समाज से आते हैं हजार किसान मरने के बाद इनको फ्री फोकट में ये पद मिला है उनकी भावनाओं को या उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में एक आदमी को जो जाट समाज से आता है उसको उपराष्ट्रपति बनाएगा और जो इसने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार कर दिया जाट समाज और किसान समाज तो बल्कि लज्जित हुआ इनके व्यवहार से ये सारे किसान और मजदूर समाज तो चाहता है सबके साथ न्याय मजदूर समाज का कोई आदमी ऐसा काम ऐसी हरकत करे कि लोगों को सस्पेंड करे वो लोगों को समझा बुझा ना पाए वो प्रोसीडिंग को सही तरीके से नहीं चलाए बल्कि लानत है पूरा पूरा समाज पूरा समाज की नाक और पूरे किसान समाज मजदूर समाज या आम समाज देश का आम आदमी की नाक नीची हुई है उपराष्ट्रपति के व्यवहार से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार किया है और दूसरा एक और अब देश का उपराष्ट्रपति की बेजती मेमी करी करी है उसमें जाट कहाँ से बीच में आ गया इसका मतलब ये हो गया बीजेपी जानबूझ के इस देश को जाति और समुदाय में संप्रदाय में बांट बांट के राजनीति कर रही है वो यहाँ भी बाज नहीं आए इतनी अच्छी हरकत बीजेपी करी है अपने ट्विटर है, अपने व्हाट्सएप पे कहीं लगा रही है इस बात को भी इसे साबित होता है इस देश के साथ आज तक धोखा होता आया है और अभी भी धोखा हो रहा है और मीडिया के लोग भी इस तरह का धोखा कर रहे हैं और खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं